हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ बहुत ही अट्रैक्टिव और टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी, जिसका नाम है पोटैटो नेस्ट। ये पोटैटो नेस्ट देखने में जितने सुंदर हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। इंग्रेडिएंट चाहे सेम ही हो, लेकिन नाश्ते का शेप जब अलग होता है तो सभी का मन करता है उसे ट्राई करने का। तो इसीलिए मैं आप सभी के साथ में आज ये यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, तो एक बार आप इसे प्लीज़ ट्राई करिएगा मेरे कहने पे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 3 उबले हुए आलू। आलू को मैंने उबालकर ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के लिए आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा, जिससे कि इसका मॉइस्चर सूख जाता है। और अब हमें लेना है ग्रेटर, और ग्रेटर से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि आपको यहाँ पर आलुओं को ग्रेट करके ही लेना है, हाथों से मैश ना करें, इससे इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ मैंने तीनों आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे एक छोटे साइज का प्याज, जिसको मैंने ऑमलेट कट काटा है। आप यहाँ पे प्याज को भी कद्दूकस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पर हरी मिर्च आपको ध्यान से लेनी है, क्योंकि हम आगे रेसिपी में लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले, आधा चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे भुने में जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1 चम्मच लेंगे चाट मसाले का पाउडर, 1 चम्मच नमक, पिंच ऑफ लेंगे हल्दी। तो यहाँ पे आप लाल मिर्च अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये सारे मसाले हम आलूओं में डाल देंगे। परफेक्ट बाइंडिंग देने के लिए हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर 3 बड़े चम्मच। आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा या फिर कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लीजिए, यहाँ मैंने मिक्स बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसके स्नैक्स बनाएंगे। तो इसमें से हम लेंगे नींबू से बड़ी साइज़ की बॉल, और बॉल बनाने के बाद हम इसे थंब से इस तरीके से इसके बीच में प्रेस करेंगे। और प्रेस करने के बाद हम इसे किनारे से घुमाते हुए इसे कटोरी का शेप देंगे। तो यहाँ पर आपको ये स्नैक्स ना ही ज़्यादा बड़े बनाने हैं ना ही ज़्यादा छोटे, इस तरीके से आपको इसे बनाकर तैयार करना है। बनाना बहुत आसान है, इसी तरीके से इसे प्लेट में बनाते हुए रखते जाएँ। और यहाँ मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ, इसे आपको घुमाते हुए बना लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। तो यहाँ आपको इसी तरीके से सारे नेस्ट बना के तैयार कर लेने हैं। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारे स्नैक्स बना के तैयार कर लिए हैं, और ये देखने में कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कोटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें बनाना है स्लरी। स्लरी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 3 बड़े चम्मच मैदा। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, और नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, और इसका हमें हल्का सा गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, ये देखें। और इसके ऊपर हम कोट करने के लिए लेंगे यहाँ पे सेवई। ये वही सेवई है जिसे हम मीठी सेवइयाँ बनाते हैं। तो चलिए अब हम इसे कोट करते हैं। तो सबसे पहले हम नेस्ट को लेंगे और इसे स्लरी में डिप करेंगे। अच्छी तरह से इसे डिप करिए। डिप करने के बाद हम इसे सेवई से कोट कर लेंगे। अगर आपके पास सेवई नहीं है तो आप यहाँ पे ब्रेड क्रम या कॉर्नफ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लीजिए, यहाँ मैंने इसे कोट कर लिया है। इसी तरीके से हम बाकी के बचे हुए नेस्ट भी कोट कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारे नेस्ट कोट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑयल मीडियम हॉट गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक स्नैक्स को डालते जाएंगे, और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। और जब ये एक साइड से फ्राई हो जाए तब हम इसकी साइड को चेंज कर फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे ये अच्छी तरह से क्रिस्पी गोल्डन हो गया है, तो अभी हम इसे ऑयल से निकाल लेते हैं। और आप यहाँ पर इसकी आवाज़ सुनिए, कितनी क्रिस्पी है। इसी तरीके से बाकी के बचे हुए स्नैक्स भी हम फ्राई कर लेंगे। और जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। और जब ये दोनों साइड से फ्राई हो जाएगा तब हम इसे ऑयल से निकाल कर सर्व करेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने प्लेट में इसे सर्व कर दिया है। अब हम इसके बीच में डालेंगे मेयोनीज़। जैसे नेस्ट में छोटे छोटे से एग होते हैं, तो उसकी जगह पर मैं यहाँ पर मेयोनीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि ये नाश्ता देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। और ये लीजिए, यहाँ मैंने मिंट लीव्स यानी पुदीने के भी पत्ते रख दिए हैं, जिससे कि ये देखने में बिल्कुल नेस्ट जैसा लगेगा और देखने में बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे बनाकर जिस किसी को भी खिलाएंगे वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि इसे आपने कैसे बनाया, और बच्चों को तो यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।
तो एक बार आप भी इस रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। और आलू के स्नैक्स की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी नई नई रेसिपीज़ देखने को मिलेगी और जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। और मेरी वीडियोज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।